बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी के घर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में दोनों कांग्रेस दफ्तर के लिए निकलने वाले हैं और फिर वहां से राहुल ईडी दफ्तर के लिए जाएंगे, जहां उनसे ईडी दूसरे दिन पूछताछ करेगी। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए आप एक तरीके से क्लियर है कि प्रियंका गांधी के साथ वो इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और फिर ईडी दफ्तर। बिल्कुल, कल भी ऐसी प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची थी सुबह सुबह, और उसके बाद दोनों के दोनों एक ही गाड़ी में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पे तमाम पार्टी के बड़े नेता, सांसद और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। और उनके साथ जाकर के कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने बातचीत की, मुलाकात की, और उसके बाद वो ईडी के लिए वहां से निकले थे। और आज फिर प्रियंका गांधी अभी कुछ सेकंड पहले यहां पे पहुंची है राहुल गांधी से मिलने के लिए। यहां से दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और वहां जो भी कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि आज स्थिति थोड़ा अलग है, कल भारी तादाद में कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद थे, लेकिन आज जगह जगह बैरिकेडिंग किए जाने की वजह से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वहां पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही है। पार्टी मुख्यालय में कल सुबह ही सुबह काफी भीड़ हो गई थी कांग्रेस नेताओं की, कार्यकर्ताओं की पार्टी मुख्यालय में, लेकिन प्रियंका गांधी मॉरल सपोर्ट देने के लिए, अपने भाई के साथ खड़ा दिखाने के लिए कल की तरह आज फिर उनके घर पहुंची हैं। और यहां से 10:30 बजे के आसपास वो कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे, जहां पे वहां मौजूद लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, और फिर 11 बजे के आसपास उनको ईडी दफ्तर पहुंचना है, जहां एक बार फिर ईडी के सवालों की जो फहरिस्त है उसका राहुल गांधी को सामना करना पड़ेगा, जिन सवालों के उत्तर कल नहीं दे पाए थे, जिनसे ईडी संतुष्ट नहीं था, आज फिर उन सबका सामना राहुल गांधी को करना पड़ेगा। देखना होगा कि आज फिर राहुल गांधी से 8.5-9 घंटे की पूछताछ दोबारा की जाएगी या जल्दी उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी इस वक्त राहुल गांधी के साथ उनके घर पर मौजूद है, उनके साथ बातचीत कर रही है। कल जो ईडी की पूछताछ हुई थी उसके बारे में बातचीत की जा रही है, और आज क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या बातचीत की जा सकती है, उन तमाम चीजों के बारे में प्रियंका गांधी बात कर रही है। और राहुल गांधी भी कल जब लंच ब्रेक हुआ था अपनी माँ सोनिया गांधी से गंगाराम हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे थे। रॉबर्ट वाड्रा जो उनके बहनोई हैं, उन्होंने भी आज तक से बातचीत में साफ तौर से कहा था कि राहुल गांधी साफ होकर के निकलेंगे, उनके ऊपर जो आरोप है निराधार है, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनसे टिप्स लिए थे कि ईडी में पूछताछ में किस ढंग से होता है, क्या पूछा जाता है, किस ढंग से जांच होती है। तो रॉबर्ट वाड्रा ने यह साफ तौर से कहा था कि मैंने उनको कहा था कि आप नॉर्मल तरीके से, हंसमुख तरीके से आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आज फिर राहुल गांधी कितने, किस ढंग से आप जवाब दे पाएंगे, कितने सहज हो पाएंगे ईडी के सवालों के सामने, ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पूरे मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन कल की तरह क्या इतनी नेता कार्यकर्ता जुट पाएंगे देखना होगा, क्योंकि आज पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है और रात 11:30 बजे तक पुलिस ने डिटेन करके रखा था तमाम पार्टी के बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अशोक सिंघल मेरे सहयोगी तमाम जानकारी देते हुए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय के लिए रवाना होने वाले हैं। उसके बाद लगभग 11 बजे ईडी दफ्तर वो पहुंचेंगे, जहां पर एक बार फिर से आज ईडी के सवालों का जवाब राहुल गांधी को देना होगा। कल 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद एक लंच ब्रेक उन्हें दिया गया था, जिसमें अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने गंगाराम अस्पताल गए थे। उसके बाद एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात लगभग 11:30 बजे जाकर खत्म हुआ।